वेबसाइट careercarwan.com के सेगमेंट सक्सेस स्टोरी से मैं हूं खालिद इरशाद सूफ़ी और आज हमारी मेहमान शख्सियत हैं जनाब सुहेल वराइच साहब। सुहेल वराइच साहब, आपसे जो पहला सवाल है वो ये है कि आपकी शख्सियत में ये जो एक इल्मी रुझान पैदा हुआ, ये आपके घर की जो माहौल था उसका असर था या बचपन में आपको जो मुतअद्दद स्कूल बदलने पड़े वो वजह थी इसकी? नहीं, मेरा ख़्याल है कि ये विरसे में मिला है, इसमें मेरी इस्तेदाद का कम असर है। मेरे वालिद साहब भी टीचर थे, मेरे दादा भी टीचर थे, मेरे नाना भी टीचर थे, मेरी दादी भी टीचर थीं, तो हमारे घर का माहौल ही तालीमी था। तो बल्कि ये समझा जाता था कि मैं कोई घर का बहुत लायक फर्जंद नहीं शुरू में, लेकिन फिर जो जो वक्त गुज़रता गया शायद मैं कुछ सुधरता गया या मेरे में फैमिली का असर ज़्यादा आता गया, तो फिर बिल्कुल उस लाइन में जिसमें सारे बुज़ुर्ग थे मैं भी उसकी आखिरी कतार का आखिरी आदमी हूँ। अच्छा, ये क्या किस्सा है कि आपको मुख्तलिफ स्कूलों में भिजवाया जाता रहा? आपने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था। असल में मेरे जो नाना थे ना, ही वॉज दी टीचर ऑफ़ द टीचर्स। अच्छा, ही वॉज हेड मास्टर ऑफ़ द नॉर्मल स्कूल जहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग होती थी। अच्छा, वो ही वॉज सॉर्ट ऑफ यूँ समझें कि उस सारा जो डिवीजन था उसके सारे टीचर उनके शागिर्द थे। तो फिर मेरे वालिद साहब टीचर्स थे, फिर वो टीचर्स की यूनियन के प्रेसिडेंट भी थे। अच्छा। तो हमारा घर पे तो हर वक्त टीचर ही टीचर होते थे, तो जहाँ उन्हें पता चलता था कि ये टीचर अच्छा है मेरा स्कूल वो हो जाता था। अच्छा, आपको वहाँ भिजवा देते थे। तो वो एक तरह से मेरी मसलन मैं ड्राइंग सीखने के लिए भलवाल गया। अच्छा। मैं फारसी सीखने के लिए एक टीचर के घर जाता रहा, ये अलग बात है कि वो सीख ना सका। इसी तरह जो है अंग्रेज़ी किसी और टीचर से, खताती किसी और से, तो इस तरह मेरी ट्रेनिंग के मुख्तलिफ सेशंस होते रहे, कभी किसी स्कूल में, कभी किसी शहर में। तो जितने तजर्बे वालिद साहब करना चाहते थे सब मुझ पर किए। लेकिन उन तजर्बात का नतीजा तो अच्छा मिला। हाँ, उन तजर्बात का नतीजा ये है कि एक जो होता है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन बन गया हूँ। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है, माशाल्लाह, आप तो बाकमाल शख्सियत हैं। अच्छा सर, आपको बिल्कुल बचपन में तालीम ही के लिए घर से दूर वक्त गुजारना पड़ा, चंद साल गुजारने पड़े, ये दौर कैसा था और इसने इस दौर ने आपकी शख्सियत में क्या तब्दीलियां लेकर आया? देखें, मेरे वालिद जो थे वो समझते थे कि मैं घर का बहुत लाडला हूँ क्योंकि मैं अकलौता बच्चा था, तो शायद वो इस चीज़ से मुतमईन नहीं थे कि अगर इसको ज़माने की जो है गर्मो सर्द का पता नहीं होगा तो ये सीख नहीं सकेगा। तो उन्होंने मुझे दूर एक गांव में भिजवा दिया जहाँ बिजली भी नहीं थी और बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल था। 3 मील मैं साइकिल चला कर जाता था। एक तरफ ये लाड के मेरे नाना रिसेस के वक्त भी मुझे लेने आते थे, तो एक तरफ ये कि मैं बिल्कुल एक दूर दराज जगह चला गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि तकलीफ़ तो हुई, उसके नेगेटिव असरात भी हुए। नेगेटिव असरात यह है कि मेरी शख्सियत के अंदर मैं समझता हूँ कि जितनी ख़ानदान के लिए गर्मजोशी होती है उसका इजहार नहीं बंदा कर सकता। जो आपके अंदर हॉस्टल है या बोर्डिंग हाउस है एक ठहराव पैदा कर देता है, एक तन्हाई डेवलप कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ सेल्फ़ कॉन्फिडेंस भी देता है, दूसरी तरफ आपको माशरे में रहने के आदाब सिखा देता है, दूसरी तरफ आपको मुश्किलात से लड़ने का तरीका बता सकता है। चुनाचे मैं समझता हूँ कि मैं जो घर से दूर रहा उसने मुझे ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखा दिया। मैं अगर शायद घर में रहता तो एक जो अमली ज़िंदगी है उसमें नाकाम रहता, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि मैं शायद मेरी ज़िंदगी उस वक्त की ज़्यादा खुश होती, खुशहाल होती, खुश होती, मैं खुश व खुर्रम रहता। वो जो 2-3 साल थे मुश्किल थे ज़िंदगी के, बचपन के, लेकिन उसने मेरी ज़िंदगी की ऐसी ट्रेनिंग की कि फिर कभी कोई मुश्किल मुश्किल लगी नहीं।
अच्छा बिल्कुल ठीक। अच्छा लगे आप आपकी ये जो तालीमी सफ़र है इससे भी ज़रा आगाह करें, कहाँ कहाँ पढ़े? जी मैं पहले तो एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जौहराबाद नंबर वन, फिर नंबर टू, फिर मैं टेक्निकल हाई स्कूल भेजा गया जौहराबाद में। सरगोधा के ये जौहराबाद अब तो तहसील ज़िला हेडक्वार्टर है तहसील खुशाब का, उस ज़माने में ये तहसील होती थी। तो वहाँ भेजा गया टेक्निकल हाई स्कूल, फिर कुछ सालों के बाद एक दो साल के बाद मुझे जौहर मेमोरियल भेज दिया गया, फिर वहाँ से मुझे भलवाल गवर्नमेंट हाई स्कूल भेज दिया गया। तो फिर मैंने वहाँ पढ़ता रहा, फिर मैंने आके फिर इम्तिहान दिया दसवीं का। फिर दसवीं के बाद जो मेरी एक रेगुलर तालीम शुरू हुई, पहले तो मैं मुख्तलिफ स्कूलों में, कई जगह मेरा नाम भी दाखिल नहीं होता था, मैं वैसे ही जाके बैठा रहता था। और फिर मैं कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज सरगोधा आया, वहाँ बड़ा भरपूर तालीमी और जो को करिकुलर हम निसाबी सरगर्मियाँ उनमें बड़ा हिस्सा लिया। उर्दू मजलिस का मैं सेक्रेटरी जनरल था, रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब उसके सरपरस्त होते थे, फिर डॉक्टर खुर्शीद रिजवी होते थे। मजलिस इकबाल का मैं सेक्रेटरी रहा, वो साले इकबाल था तो इसलिए उसका बड़ा एक्सपोजर हुआ, सारे मुल्क से स्कॉलर्स आए तकरीर करने, वहाँ लेक्चर देने, मैं उसको कंडक्ट करता था। फिर मजलिस कायदे आज़म एक बनी, अगला साल कायदे आज़म का साल था तो वो कायदे आज़म की सारी तकरीबात को मैंने करवाया। तो एक तरह से पढ़ाई कम की और जो पढ़ाई से मुतलका चीज़ें थीं वो ज़्यादा हासिल कर ली। अच्छा एमए अंग्रेज़ी आपने किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, अंग्रेज़ी अदब आपने ख़ुद शौरी तौर पे चुना था? नहीं, बस ज़िंदगी मेरी बड़ी हादसों से मामूर रही है। अच्छा, कि उस ज़माने में सब लोग ये समझते थे कि शायद डॉक्टर बनने के अलावा कोई ज़िंदगी नहीं है, तो वालिद साहब बल्कि सबका यही ख्याल था कि भाई ये डॉक्टर ही बनना है इसने। तो मैं मैट्रिक के बाद एफएससी में चला गया, लेकिन एफएससी मैंने दो दफ़ा ट्राई की तो दोनों दफ़ा मेरे नंबर ना आ सके। पहली दफ़ा बहुत करीब मैं आ गया, दूसरी दफ़ा दूर चला गया। तो फिर भी एक डिस्कशन हुई, मेरे घर वाले चाहते थे, वालिद साहब चाहते थे मैं साइंस पढ़ूँ, मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन हमारे यहाँ बुज़ुर्गों का एहतराम और मैं हमारे घर में तो सरताबी की गुंजाइश ही नहीं थी। तो मैं फिर एफसी कॉलेज में जब आया तो मैं साइंस स्टूडेंट था बीएससी का, लेकिन मुझे कोई समझ नहीं आती थी साइंस की, ना मेरी कोई इंटरेस्ट थी। तो मैं इम्तिहान हुआ एक फोलियो के एडिटरशिप के लिए, वो मैं इम्तिहान में बैठा एंड आई वाज इलेक्टेड एंड सेलेक्टेड एज एडिटर ऑफ दी फोलियो मैगजीन। आपके कॉलेज कॉलेज का मैगजीन, लेकिन ये कॉलेज का जो मैगजीन था ये कोई 13-14 साल बाद दोबारा शुरू हुआ, और इसका एक कमरा था, इसकी बड़ी शान और शौकत थी, इसका स्टेटस था एक। तो मैं बस पढ़ाई कम करता था और फोलियो के एडिटरशिप ज़्यादा करता था, चुनाचे नतीजा यही हुआ कि मैं बीएससी में फ़ेल हो गया एक सब्जेक्ट में। तो मुझे हैरानगी फ़ेल होने पर नहीं थी, मुझे हैरानगी अपने बाकी पर्चों में पास होने पर थी, क्योंकि पढ़े तो वो भी नहीं थे। अच्छा तो फिर जी ये हुआ कि सूफी साहब के फिर मुझे मेरे चचा ने सपोर्ट किया और मैंने भी स्टैंड लिया कि मैं प्राइवेट बीए करूँगा। चुनाचे फिर मैंने प्राइवेट बीए किया, आगा ज़ियाउर रहमान साहब होते थे अंग्रेज़ी के टीचर, तो उनसे मैंने पढ़ा और यूँ मेरी ज़िंदगी जो है ना वो तब्दील होनी शुरू हो गई, कि एक तो मैंने शौक़ से पढ़ना शुरू कर दिया और दूसरा यह है कि जब मेरा रिज़ल्ट आया, मेरी तवक्कुआत बहुत थी, मेरा ख्याल था कि मैं कोई बोर्ड यूनिवर्सिटी में ना कोई टॉप बीए प्राइवेट प्राइवेट जी सर, लेकिन बिल्कुल तवक्कुआत पूरी ना हुई। और जो उर्दू पॉलिटिकल साइंस इसमें मैंने अच्छे पेपर किए थे लेकिन नहीं पसंद आए मुमताहिन को, तो मैंने सारी अंग्रेज़ी किताबों से पढ़ के पॉलिटिकल साइंस की तैयारी की, हालांकि पर्चा मैंने उर्दू में देना। तो फिर वजह शायद यही हो, पता नहीं क्या वजह थी। तो लेकिन एक चीज़ हुई कि मेहनत जो है वो कभी अकारत नहीं जाती। मेरे अंग्रेज़ी में पूरी यूनिवर्सिटी में मैं सेकंड आ गया। अच्छा माशाल्लाह। तो तवक्को तो थी कि मैं सब सब्जेक्ट्स में आऊँगा, लेकिन आया सिर्फ अंग्रेज़ी में, और उसकी वजह से मुझे एमए अंग्रेज़ी में दाखिला मिल गया। और उस वक़्त ये समझा जाता था कि अगर आपने सीएसएस करना है, मुकाबले का इम्तिहान देना है, तो उसके लिए बेहतरीन जो है वो अंग्रेज़ी अदब है, तो इसलिए मेरी ख्वाहिश भी थी।
और अगर ये मेरे नंबर ना आते तो फिर भी मुझे एफसी कॉलेज में तो दाखला मिल जाना था, क्योंकि मैं वहाँ का एक्स स्टूडेंट था, फोलियो का एडिटर था। तो लेकिन फिर मैंने वालिद साहब से मशवरा किया, उन्होंने कहा नहीं तुमने एफसी में बहुत रह लिया, मैं वहीं रहना चाहता था। उन्होंने कहा नहीं आप यूनिवर्सिटी जाएँ। तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद फिर दरवाज़े, ये जब मैंने लाइन बदली है तो दरवाज़े खुलते गए हैं। और फिर मैं अभी एमए अंग्रेज़ी में मैंने इम्तिहान ही दिया था तो मैंने अखबार ज्वाइन कर लिया, और अखबार आया तो मुझे लगा कि यार दिस इज़ माई कप ऑफ टी, मुझे कुछ और सोचना ही नहीं चाहिए। ओके, इतना मेरा दिल लगा। या एक बात आपसे तस्दीक या तरदीद चाहूँगा कि जो स्टूडेंट का जो रुझान होता है, मेल या फीमेल जब आप तालिब इल्म होते हैं तो पेरेंट्स को और बाकी जो सोसाइटी है उसको उसी में सपोर्ट करनी चाहिए। या मेरा ख्याल है कि मैं तो इसकी ज़िंदा मिसाल हूँ कि मुझे साइंस पढ़ाने की बड़ी कोशिश की गई, लेकिन पता नहीं मैं क्यों नहीं उस तरफ मायल हो सका जिस तरफ मेरी। अगर डॉक्टर बन जाते तो? अगर मैं डॉक्टर बन जाता तो फिर भी शायद घूम फिर के यहीं आ जाता। जैसे डॉक्टर कई शोबों में आ गए, डॉक्टर यूनुस भट्ट लिखने पढ़ने में आ गए, कई डॉक्टर सीएसएस कर गए। तो आप अपने रुझान की तरफ जब जाते हैं ना तो कंफर्टेबल रहते हैं। अब मेरी जॉब मेरी हॉबी भी है। बिल्कुल ठीक, मतलब जो मैं काम करता हूँ ना उसमें मेरा पैशन होता है। शायद मैं कुछ कहीं जो प्रोफेसर ऑफ साइंस होता या मैं डॉक्टर बन गया होता तो मेरा पैशन ना होता उसमें। सर, सहाफत आपने शौरी तौर पे इख्तियार की और आया तो एक्सीडेंट से। अच्छा, लेकिन फिर उसको एडॉप्ट शौरी तौर पर किया। अच्छा, ये भी एक हमारे नौजवानों के लिए एक अहम पॉइंट है कि भी अगर आपके मिजाज पे। और तदरीस की तरफ? मेरे असल में मैंने बताया ना जी, मेरी पूरी फैमिली तदरीस में थी, मैं अकलौता बच्चा था। तो मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, वेरी विविडली, 1987 में मेरे वालिद साहब की डेथ हुई है। तो वो एक दो महीने पहले आए तो मुझे कहने लगे कि फिर तुम अब साफ़ी बन गए हो। मैं कहा जी हाँ, मैं तो बड़ा खुश हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बात की, उन्होंने कहा देखो तेरे चचा जो हैं दोनों वो भी टीचिंग में नहीं गए और तुम भी नहीं गए, तो ये तो फिर डिसकॉन्टिन्यू हो जाएगा जो हमारा घराने की। तो उन्होंने कहा नहीं यार ये टीचिंग ज़रूर करो। देन उनकी डेथ हो गई उसी साल, तो मैंने उनकी एक तरह से अपने लिए वो वसीयत समझी। अच्छा, तो कि फिर मैंने उसके बाद लेक्चरशिप जो है वो ज्वाइन की और फिर मैं 14 साल तक लेक्चरशिप करता रहा। और अब भी मैं उसको किसी न किसी तरीके से, अब मेरे पास वक्त नहीं है फुल टाइम लेक्चरशिप का, लेकिन मैं लेक्चर देता रहता हूँ यानी कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में। तो मैं और अब मैं अपने प्रोग्राम में भी यही अपनी तरफ से तालीम ही देने की कोशिश करता हूँ। तो वो एक मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमारे ख़ानदान का हिस्सा है कि यू हैव टू बी, ये जो टीचिंग के साथ आपकी लव है बरकरार रहनी चाहिए। अच्छा, सहाफत के आगाज़ कैसे हुआ और इब्तदा में मुश्किलात भी आई होंगी बहुत सारी? मुश्किलात नहीं आई। I was taken in the newspaper with open hands and कौन सा था ये? मैं डेली जंग में गया एज अ प्रिंटर्स रिपोर्टर। और दिलचस्प बात है कि मैंने जिस दिन से ज्वाइन किया उससे 3 महीने पहले की मुझे तनख्वाह दे दी गई, क्योंकि मैंने जाते ही उन्होंने मुझे डॉक्टर ए क्यू खान का एक मज़मून दिया जिसकी 36 किस्तें थीं, तो वो मैं रोज़ ट्रांसलेट करता था। तो जाते ही मुझे बड़ा काम मिल गया और वो काम भी मैंने ठीक कर लिया। तो फिर मुझे फौरन परमानेंट कर दिया गया, मुझे बेहतरीन, पहले मैं न्यूज़ रूम में था फिर मुझे रिपोर्टिंग में, खुद ही अदारे नहीं, बड़ा मुश्किल होता है ये ट्रांसफ़र होना, लेकिन मैं खुद ही, उन्होंने मुझे खुद ही ट्रांसफ़र कर दिया, बेहतरीन बीट्स थी। अखबारात में मुझे सम हाउ बड़ा फ्री हैंड मिला है। अच्छा। बड़ी पैट्रनेज मिली है, बड़ी दोस्तों के जितने जो कुलीग्स हैं उनका बड़ा तावन मिला है। और अगर कोई मुसाबकत या हसद या लड़ाई रही है उसने कभी मेरा रास्ता नहीं रोका,
मतलब वो रही हैं, होती हैं हर प्रोफेशन के अंदर, लेकिन सम हाउ मुझे सपोर्ट ज़्यादा मिली है। अच्छा, बीट कौन कौन सी की आपने? मैं शुरू से ही पॉलिटिकल बीट्स करता रहा हूँ, थोड़ा अरसा के लिए क्राइम की बीट भी की है, लेकिन वो मेरे मिजाज से लगा नहीं खाती थी, वो मुझे मुर्दों से, एक्सीडेंट से, खून से डर लगता है, तो वो कुछ अरसा तो मैंने किया लेकिन फिर मेरी तबीयत ख़राब होती थी तो वो मैंने छोड़ दी। लेकिन ये पॉलिटिकल बीट जो है, मैं चूँकि पहले भी सियासत से बहुत दिलचस्पी रखता था, अखबारों में बहुत पढ़ता था, अखबार के क्या एक पोस्टमार्टम करता था खुद, तो वो मेरे दिल के करीब है हमेशा से सियासत। लेकिन सियासत में तो अमली कभी दिलचस्पी नहीं ली, सियासत को पढ़ने में बहुत दिलचस्पी की आपके तो आवाज। अच्छा, ये फरमाइए सर, रिपोर्टिंग करते हुए जब आपने इसको शौरी तौर पर ले लिया, तो क्या उस वक्त क्या आपका मत में नज़र था, सहाफत आपके लिए सिर्फ रोटी रोज़ी कमाना था या इससे कोई मकाम भी बनाने का सोचा था आपने? सच्ची बात तो यह है कि मुझे पहले जो पहली चीज़ जो फील हुई वो ये था कि मैं शायद इस काम के लिए बना हूँ। मैंने फिर अपने कैरियर पे आप जब नज़र दौड़ाता हूँ ना, कि मैं अपने स्कूल की बज़्म अदब का सेक्रेटरी जनरल, मैं गवर्नमेंट कॉलेज सरगोधा के ज़िया बार का मदीर, मैं फोलियो का मदीर, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी इंग्लिश डिपार्टमेंट के कॉलेज का एडिटर, के मैगज़ीन का एडिटर, तो ये कुदरत कहीं मेरे कैरियर को तामीर कर रही थी। बिल्कुल ठीक, क्योंकि उस वक्त तो पता ही नहीं था साफ़ी बनना है तो, लेकिन ये मेरे सार इतनी एडिटरशिप की मेरी ट्रेनिंग रही। अच्छा, फिर मुझे ये लिखने का और उसको फिर जब छप जाता था इसके पढ़ने का मज़ा ऐसे ही आता था जैसे कोई शायर अपने शेर मुशायरे में पढ़ता है, या जैसे कोई पेंटर अपनी तस्वीर बनाकर खुश होता है पेंट करके। तो मुझे दरअसल मैं तो इसमें अपना क्रिएटिव प्लेयर हासिल करता हूँ, पहली मेरी जो बात है। ठीक है, तो तख्लीकी अगर आपको मज़ा आना शुरू हो जाए, जिस तरह शायर को आता है, जिस तरह अदीब को आता है अपनी कहानी लिखकर, तो मुझे तो अपनी स्टोरी देख के वो मज़ा आता है। नंबर टू, उस वक्त ये 1987 की बात है, उस वक्त से सहाफ़त एक पेशे के तौर पे एस्टेब्लिश होना शुरू हुआ था। हम पहले पहले लोग थे जो यूनिवर्सिटियों से पढ़ के आए थे और अखबारों को बूम मिल रहा था, जुनेजो जो साहब ने आज़ादी दी थी और वो कैरियर एक नया बन रहा था। दूसरा, तीसरा जो ख्वाब थे हमारे, वो लगता था कि ब्यूरोक्रेसी में जाके आप पाबंद हो जाएंगे, उन ख्वाबों का इजहार नहीं कर सकेंगे, आप जो तब्दीली या सोच या ऑनेस्टी या व्हाटएवर जो आपने सीखा है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो आई थॉट, और बड़ी डिस्कशन के बाद हम सब दोस्तों ने, कि भाई ये प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें आप आज़ाद हैं, जिसमें आज़ादी हासिल है लिखने की, बोलने की, लोगों को कुछ कहने की, तो ये थी वो वजह फिर अगली जिसकी वजह से मैंने सहाफ़त का पेशा अडॉप्ट किया। पेशे के दौरान आपको एक्सेल करने के लिए क्या कुछ करते रहे? देखिए, पेशे की एक्सेल जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि मुतालिया। ठीक है, मैंने अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा दिन याद नहीं मुझे जिस दिन मैंने कुछ पढ़ा ना हो। अच्छा, मैं हर रोज़ 8-10 अखबार पढ़ता हूँ, कोई ना कोई किताब पढ़ता हूँ, कोई ना कोई चीज़ें ऐसी इल्मी सीखता हूँ बतौर तालिब इल्म, और वो मैं समझता हूँ कि उसने आहिस्ता 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 मुझे ऐसी स्टेज पे पहुँचाया कि जहाँ मैं कुछ कहने के काबिल हुआ, मैं कुछ लिखने के काबिल हुआ। तो जब तक आप अपने आप पर मेहनत नहीं करते, उतनी देर तक आप किसी भी कंपटीशन में किसी भी मकाम पर नहीं पहुँच सकते। तो बड़ी सख्त मेहनत की है मैंने इस हवाले से, लेकिन ये मेहनत मुशक्क़त नहीं थी, ये मेहनत ये लुत्फ़ देती थी। मैं इस मेहनत का भी मैंने लुत्फ़ लिया है।